जो आया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो मुझे लग रहा है कि शायद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम निकले हैं माइलेज टेस्टिंग के लिए। तो देखिए, अभी मेरी गाड़ी सर्विस नहीं हुई है और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया गाड़ी का। मैं दिखा था आपने स्टार्ट कर दी, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। और देखिए ये देख रहे हैं आप, ये रेंज लिंक हो रहा है। ये दिखाता है कि आपका सर्विस ड्यू है। इसका सर्विस ड्यू था 500 से, लेकिन मैं किसी वजह से करवा नहीं पाया। तो अभी सर्विस ड्यू है, पहली सर्विस। तो मैं पहली सर्विस के पहले का ही माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो देखिए, अभी गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल रेड पे आ गया है। अभी हम इसमें पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर। अभी इसमें हम पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर और फिर देखते हैं इसका माइलेज क्या है, फिर हम शुरू करते हैं। ये मैं अपने साथ 1 लीटर पेट्रोल लेके आया था, इसमें डाल देता हूँ मैं। पूरा 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया है और अब देखते हैं इसका पहली सर्विस के पहले इसका क्या माइलेज है। अभी मैंने पेट्रोल डाल दिया है, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखिए ट्रिप ए है, यहाँ पे तो हमको रिसेट करना है 0 पे और उसके बाद हम माइलेज देखेंगे कितना आता है। इसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अभी ये देखिए ट्रिप ए 0 हो गया। अब ये एक्चुअल दिखाएगा कि गाड़ी हम शुरू करते हैं माइलेज टेस्टिंग, मज़ा आने वाला है। तो देखते शुरू करते हैं। देखिए, मैंने मुंबई में सिटी राइड किया और ट्रिप 0 से 26 पे आ गया। तो मुंबई में बिफोर फर्स्ट सर्विस एक्चुअली इसका जो माइलेज है 1 लीटर पेट्रोल में 26 किलोमीटर चली है गाड़ी। अभी मैं इसका सर्विसिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं फिर से माइलेज चेक करूंगा इसका और मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन की फर्स्ट सर्विस के बाद क्या माइलेज है इसका। Thank you.
दोस्तों अभी सर्विस हो गई है हमारी, पहली सर्विस हो गई है। और आपने देखा पहली सर्विस के पहले इसका जो माइलेज है वो 26 किलोमीटर का है। तो अभी सर्विसिंग के बाद मैं फिर से माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ इसका। अभी देखिए पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और गाड़ी अभी हमारी बंद हो गई है, देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी इसमें मैं 1 लीटर पेट्रोल डालता हूँ जैसे मैंने पहले डाला था। देखिए 1 लीटर पेट्रोल है और मैं इसको डाल रहा हूँ अभी। पूरा डाल दिया मैंने 1 लीटर। और अब देखते हैं इसका माइलेज क्या आता है। तो मैं इसके ट्रिप ए को सेट करता हूँ, फिर से रीसेट करता हूँ 0 पे। और ये आप देख रहे हैं अभी ट्रिप एफ देख रहे हैं, ब्लिंक हो रहा है, मतलब गाड़ी में अभी पेट्रोल बहुत कम है। अभी आपने देखा 1 लीटर है, तो मैं इसको एक बार रीसेट कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए अभी आप ट्रिप ए देख रहे हैं वो 0 है, मैंने इसको रीसेट किया है अभी ट्रिप ए को 0 पे। और यही हमको बताएगा कि 1 लीटर में गाड़ी कितनी चल रही है। सर्विसिंग के पहले, फर्स्ट सर्विस के पहले 26 का माइलेज दिया इसने, और अभी सर्विसिंग के बाद हम देखते हैं गाड़ी कितनी चलती है। तो आइए चलते हैं हम सिटी राइड की तरफ, मुंबई में सिटी राइड लेते हैं और देखते हैं सर्विस के बाद क्या माइलेज है हिमालयन BS6। चलिए गाड़ी बंद हो गई अभी। मैंने सिटी राइड किया मुंबई का, शाम का समय है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना था माइलेज, कितने चली किलोमीटर गाड़ी 1 लीटर में। देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब देखते हैं कितना चली है 1 किलोमीटर में, 1 लीटर में पेट्रोल में। 21.1 किलोमीटर
मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये 21.1 किलोमीटर चली है आफ्टर सर्विसिंग सिटी राइड मुंबई में। सर्विस के पहले देखिए आप ट्रिप ए दिखा रहा है 21.1 किलोमीटर, जबकि सर्विस के पहले ये ट्रिप ए 26.0 किलोमीटर था, 26 किलोमीटर का एवरेज था। तो मुझे लगा कि इस बार माइलेज कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन इस बार जो आया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा मैंने एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल किया है कि शायद उस ट्रैफिक की वजह से, आपने देखा है वीडियो में कितनी बार मैं रुका हूँ, कितना ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया है, कितनी भीड़ है। बिफोर फर्स्ट सर्विस मेरा माइलेज 26 का है, आपको पता है, आपने देखा है, और सिचुएशन लगभग ऐसी थी उस समय भी, और अभी भी सिचुएशन ऐसी ही है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद जो माइलेज है मेरा वो 21.1 किलोमीटर का है। तो मुझे आइडिया नहीं है ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है, अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि ऐसा क्यों हुआ कि सिचुएशन सेम है लेकिन माइलेज फर्स्ट सर्विस के बाद कम है, फर्स्ट सर्विस के पहले ज़्यादा थी। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, और कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ आपका जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।